हेलो, गुड मॉर्निंग क्लास। टुडे वी विल टॉक अबाउट फ्रूट। आज जो हम फ्रूट के बारे में बात करेंगे ना, हाउ फ्रूट इज फॉर्म, राइट। बेसिकली फ्रूट जो है ओवरी से फॉर्म होता है। जैसे फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस होती है, फर्टिलाइजेशन के बाद में जो ओवरी है दैट कन्वर्ट्स इनटू फ्रूट। बहुत बार क्या होता है कि जैसे कुछ ऐसे भी प्लांट्स देखे गए हैं जिनके अंदर जो है फर्टिलाइजेशन तो नहीं होता है बट उसके बाद में भी ओवरी जो है किस में कन्वर्ट हो जाती है, फ्रूट में कन्वर्ट हो जाती है विदाउट फर्टिलाइजेशन। दैट इज नोन एज पार्थेनोकार्पी, राइट। जैसे कि अपन देखते हैं बनाना के अंदर ऐसे देखने को मिलता है, राइट। ग्रेप्स में जैसे देखने को मिलता है, मतलब फ्रूट्स आर फॉर्मिंग बट द फर्टिलाइजेशन इज नॉट टेकिंग प्लेस। फ्रूट तो फॉर्म हो रहे हैं बट फर्टिलाइजेशन नहीं हो रहा है। ओवरी इज डायरेक्टली कन्वर्टिंग विदाउट फर्टिलाइजेशन इनटू फ्रूट, दैट इज नोन एज पार्थेनोकार्पी। बट मोस्ट ऑफ द जो प्लांट्स हैं नीचे के अंदर जितने पाए जाते हैं सब में पहले फर्टिलाइजेशन होता है, अंदर एम्ब्रियो बन रहा है, देन बाहर जो ओवरी है दैट ट्रांसफॉर्म इन टू फ्रूट। फ्रूट की जो स्टडी है बेसिकली दैट इज नोन एज पोमोलॉजी। द स्टडी ऑफ फ्रूट इज नोन एज पोमोलॉजी। फ्रूट जो है बेसिकली इट इज मेड ऑफ थ्री लेयर्स, तीन लेयर से मिलकर बना हुआ होता है ये, एपिकार्प, मेसोकार्प, एंडोकार्प। कलेक्टिवली दीज आर ऑल्सो नोन एज पेरिकार्प। इफ वी ड्रॉ द डायग्राम ऑफ मैंगो लाइक, तो इसमें देखते हैं जो बाहर वाली लेयर है दैट इज नोन एज एपिकार्प, इसके जस्ट नीचे वाली जो लेयर है दैट इज मेसोकार्प, और सबसे अंदर वाली जो कि सीड को सराउंड करती है चारों तरफ से दैट इज एंडोकार्प। कलेक्टिवली थ्री लेयर्स आर ऑल्सो नोन एज पेरिकार्प। फ्रूट वॉल को जो है पेरिकार्प भी बोलते हैं। तो फ्रूट जो है ओवरी से डेवलप होता है और आफ्टर फर्टिलाइजेशन इट कन्वर्ट्स इनटू फ्रूट, मेड ऑफ थ्री लेयर्स, आउटर मोस्ट इज एपिकार्प एंड बीच वाली को मेसोकार्प बोलते हैं, अंदर वाली को एंडोकार्प बोलते हैं, कलेक्टिवली नोन एज पेरिकार्प। बेसिकली जो फ्रूट्स हैं वो तीन प्रकार के होते हैं, दीज आर थ्री टाइप्स। नंबर वन इज सिंपल फ्रूट्स, एंड सेकेंड इज एग्रीगेट फ्रूट्स, एंड थर्ड इज कंपोजिट फ्रूट्स।